अगला हमारा आज का जो हमारा प्रश्न है, आज के लिए हमारे पास है प्रश्न नंबर 6, 8वीं कक्षा का है। विशेष रीति से दी हुई भुजा ए बी पर सप्तभुज बना। तो हमने सप्तभुज बनाना है, विशेष रीति से बनाना है। रीति या विधि कुछ भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी रेखा ले लेते हैं। ये आकृति थोड़ी बड़ी बनेगी, इसलिए मैं रेखा थोड़ी छोटी ले लेता हूँ ऐसे। और जितनी मेरी ए बी रेखा है इतनी ही मुझे आगे डॉटेड भी लेनी है। चलो पहले मैं यही इसी के नाम दे देता हूँ ए और बी। और जितना मेरा ए बी है, ये है जितना मेरा, इतना मुझे आगे भी लेना है। और मुझे यहां से एक वृत्त लगाना है, अर्धवृत्त ऐसे। अब मैं इस रेखा को आगे बढ़ा दूंगा। ये पॉइंट मेरा आ गया है पी, इसका नाम मैं पी दे देता हूं। अब क्या करना है, जितनी आपकी ए बी रेखा है ये, इसका मैं समद्विभाजन कर दूंगा। हमने इसका समद्विभाजन करना है, तो आधे से ज्यादा हम प्रकार खोलते हैं, आपको पता ही है। समद्विभाजन तो हमने बहुत बार कर दिया है और आज तक भी आपने पढ़ा होगा। तो ये आपका समद्विभाजन हमारा लगभग हो चुका है। और ये आपका, हमने समद्विभाजन हमारा हो गया है, जहाँ पे ये ए बी रेखा को काट रहा है। इस पॉइंट का नाम जो है, यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर यहाँ जहाँ पे ये वृत्त के साथ कट रहा है, यहाँ नाम हम दे देते हैं एन। इस नाम, ये नाम बहुत जरूरी है। यहाँ भी हम कोई भी नाम दे सकते हैं, मान के चलो हमने यहाँ नाम दे दिया जे। ये जे है, ये आपका एन है। तो हमने क्या करना है, कि मैंने बुक से देख के नहीं दिया है, अपनी मर्जी से दिया है। जे से एन जितने प्रकार खोलेंगे और पी से इस चाप को काट देंगे ऐसे यहाँ पे। और इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे जी। ये हमारा जी है। अब हम क्या करेंगे, जी और ए इसको हम मिला देंगे। ये सप्तभुज की दूसरी भुजा आ गई है। एक भुजा ये है, एक भुजा ये हमारी आ गई है। अब हमने क्या करना है, इस भुजा का भी समद्विभाजन करना है। इतनी इस प्रकार खोलेंगे आधे से ज़्यादा और चाप लगा देंगे। यहाँ से हम जी से दूसरी चाप लगा देंगे। इसको हम काट देंगे और इन दोनों कटी हुई चापों को हम आपस में मिला देते हैं। ये बनाना आसान नहीं है, इसका आपने ध्यान रखना। इसलिए आपको पेंसिल आपकी बड़ी शार्प होनी चाहिए। अगर ये जो समद्विभाजन है, कई बार बच्चे ये जे से एन नहीं लेते और यहाँ पे अपनी मर्जी से चाप लगा देते। यदि इस रेखा का समद्विभाजन आपके पास यहीं कट रहा है, तो ये आपका षटभुज बनेगा, कभी भी सप्तभुज नहीं बनेगा। इसमें इतनी दूरी यहाँ पे होनी चाहिए, तब ये सप्तभुज बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये आपका सेंटर पॉइंट आ गया, दोनों समद्विभाजन जहाँ पे कट रहे हैं, इसका नाम हम दे देते हैं ओ। अब आपने क्या करना है, ओ पर प्रकार रखनी है। आप या तो जी जितनी प्रकार खोलिए या फिर आप बी जितनी प्रकार खोलिए, देखिए हम, ठीक है। आप कितनी भी प्रकार खोल सकते हैं और यहाँ से आपने वृत्त लगाना है।
ये आपका पेड़ लग गया है। इस लाइन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ए से बी जितनी प्रकार खोल के हमने चापे आगे लगानी है। हम क्या करेंगे, यहां से चाप लगाएंगे, फिर हम यहां से आगे चाप लगाएंगे, फिर हम यहां से आगे चाप लगे। देखिए बिल्कुल इस लाइन पे कट रहा है जहां पे हमारा ये समधि भाजन वाली रेखा है। हम यहां से भी ऐसे चाप लगाएंगे, ये हमने चाप लगा दी, और यहां से भी हम देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल सेंटर पे कट रहा है, ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब हम इनके नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं बी, तो इधर आ गया सी, यहाँ आ जाएगा डी, यहाँ ऊपर आ जाएगा ई, ये आ जाएगा एफ, और यहाँ आ चुका है जी। अब हम इनको आपस में मिला देते हैं सारे पॉइंटों को, और इस तरह से हमारा सप्तभुज जो है वो विशेष रीति से ये बन के तैयार हो जाता है। ये हम ऐसे इसको मिला देंगे और ये हमारा सप्तभुज जो है वो बन के तैयार हो गया है। तो ये इस तरह से आपका सप्तभुज बनेगा विशेष रीति से। ये आपका प्रश्न यहाँ दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं, और ये जो है वो प्रश्न नंबर 6 है आपका, ये आपका बन के तैयार। सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।